Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, मैं फातिमा आपको अपने शाही किचन में करती हूँ वेलकम. तो मेरे किचन में आज बन रही है चिकन की मसालेदार बिरयानी. ये बिरयानी 6 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं. और इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको नोट डाउन कर लेते हैं. ये मेरे पास बासमती चावल है. ये 4 ग्लास चावल है. इनको मैंने धो के 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया है. साथ में मेरे पास 1 किलो चिकन है. ये मेरे पास एक मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये 1 ग्लास ऑयल लिया है. और इसी तरह मेरे पास 1 कप दही का है. ये है आधा किलो प्याज, इनको मैंने बारीक काट लिया है. और ये आधा किलो टमाटर है. मसालों में मेरे पास ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है. और खड़े मसाले में है मेरे पास ये सिनेमन स्टिक, एक स्टिक ले लो आप. ये 3 अदर जो है काली मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, बादाम का फूल, और ये है तेज पत्ता. दूसरे मसालों में मेरे पास है ये सूखे धनिया का पाउडर. ये मेरे पास 4 टेबल स्पून है. बिरयानी है तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डलती हैं. लाल मिर्ची मैं अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए. ये एक छोटा वाला चम्मच है, आप टी स्पून कह सकते हो. 1 टी स्पून रेड चिली है, 1 टी स्पून गर्म मसाला है, 1/2 टी स्पून हल्दी है, 1 टी स्पून नमक है, और 1/2 टी स्पून काली मिर्ची का पाउडर है. ये अदरक, लहसुन और लाल मिर्ची की पेस्ट है. और ये मेरे पास धनिया और पुदीना है, आप इसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं. ये है मेरे पास ऑयल, इसको डालेंगे अपने बर्तन में. ये 1 ग्लास ऑयल है, लेकिन ये आम रेगुलर ग्लास से छोटा ग्लास है, बहुत बड़ा नहीं है. प्याजों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन प्याज हो जाए तो आपकी बिरयानी का कलर जो है ख़राब हो जाता है. तो इनको सॉफ्ट करेंगे, फिर अपने दूसरे स्पाइसेस इसमें डालेंगे. ये हम अपने राइस को उबालने के लिए पानी में रख दिया चूल्हे पे. मैं इसमें नमक डालूंगी, 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.5 चम्मच जो है मैंने इसमें नमक डाला है. और अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे. इसके साथ ही मेरे प्याज जो हैं वो जी, तो हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट होने के बस पास पास ही हैं. थोड़ा सा अभी 2-3 मिनट का टाइम और है. इसके बाद इसमें फिर स्पाइसेस ऐड करूँगी, फिर चिकन, और फिर आपके साथ शेयर करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप. प्याज मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो चुके हैं, तब हम इसमें तमाम खाने मसाले डालेंगे. लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ ही हम इसमें फिर टमाटर डालेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे. चिकन मैं अभी इसमें नहीं डालूंगी, इसकी भी वजह है ताकि ये चीज़ें जो है पहले थोड़ी सी गल जाएं. तो फिर हम अपने चिकन डालेंगे इसमें. ये हमारे प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वापस में मिलना शुरू हो गया, सॉफ्ट हो चुके हैं. अब हम इसमें डालेंगे अपना बिरयानी मसाला और मेरे तमाम जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए थे वो डालेंगे. और इसको थोड़ा सा भूनेंगे इन मसालों के साथ. लेकिन चिकन मैंने अभी भी इसमें नहीं डाली, वो इसलिए कि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है और चिकन में भी होता है, तो इस तरह का पानी की अमाउंट जो है ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए 2-3 मिनट इसको भूनने के बाद मैं इसमें फिर चिकन डालूँगी. देखिए हमारे मसाले की कंसिस्टेंसी, माशाल्लाह से तमाम चीज़ें इसके अंदर होंगी. अगले स्टेज पर हम इसमें चिकन डालेंगे. ये भी एक ट्रिप है, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर में पानी ऑलरेडी अच्छा खासा होता है. इस तरह चिकन में क्या देंगे इंशाल्लाह. जिन लोगों को ये शिकायत होती है या ये होता है कि बिरयानी का मसाला नहीं बनता, तो ये आपके सामने है. माशाल्लाह से देखिए कि बिरयानी का कितना ज़्यादा मसाला भी हमने इसमें दही ऐड नहीं किया. दही भी ऐड करेंगे लेकिन अभी नहीं, अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे. भूनने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसमें दही कब ऐड करेंगे. इस स्टेज पे आप इसमें नमक अपने हिसाब से तमाम स्पाइसेस को चेक कर सकते हैं. किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप ऐड कर सकते हैं. चिकन जो है वो भूनने के लिए, भूनने के साथ साथ भूनने के बाद, तो ये देखिए मसाला. एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था हरा धनिया और पुदीना, उसकी मैंने बना ली है पेस्ट. अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना जो है साबुत ही डालेंगे, मैं पेस्ट बना के डालूंगी.
तो यकीन माने कि बेहतरीन टेस्ट देती है, बल्कि यूनिक टेस्ट देगी आपको। चीज़ें वही होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल जो है चीज़ को यूनिक बना देता है। तो ये पेस्ट में इसमें शामिल करेंगे अपनी। कोई कलर ब्लैक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो दुबला हो जाएगा। देखिए सारा कुछ एक जान हो गया, प्याज टमाटर हर चीज इस स्टेज पे हम इसको जो है वो रखते हैं। हमारे चावल जो है वो बॉईल हो रहे हैं। अभी इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपने चावलों के अंदर 2 चम्मच में डालूंगी इसके अंदर सिरका। जो है कि सिरके से चावल हमारे टूटेंगे नहीं और बड़े ही खिले खिले चावल बनेंगे। तो ये है 2 चम्मच सिरके के, मैंने इसमें ऐड किए। इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। बिरयानी की सारी खूबसूरती जो इसके चावल के ऊपर होगी, तो हम इनको ना देखिए जी हमारी बिरयानी जो है रेडी होने वाली है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अपना दही और इसमें थोड़ा सा अब इसकी आग करेंगे हम तेज और उसको भूनेंगे। देखिए हमारे चावल जो है बॉयल होने के करीब करीब है। अभी ये चावलों में कमी है तो इसे ये देखिए अभी ये चावल थोड़ा और टाइम लेंगे कि बासमती चावल है, हर चावल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए ये थोड़े सख्ते हैं, इन्हें हम थोड़ा और बॉयल करेंगे। तेज आँच पे चावल को बॉयल करेंगे। सिरका इसमें ज़रूर डालिए क्योंकि सिरके से चावल जो है बड़े खेले खेले से बनते हैं और टूटने का जो रेशो है। ये दही डालने के बाद जो बिरयानी की फाइनल जो लुक आ रही है हमारे कौरमे की वो इस तरह की है। इसमें कोई पानी नहीं रहा, कोई इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो लेना तमाम चीज़ें जो है वो बराबर है। तो अब हम इसको रखेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं ये अपना कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और पहले हमने इसकी तह लगानी है। ये मैंने नीचे चावल की तह बिछाई है। अब इसके साथ ही जो मैंने बनाया था कोरमा हम लगाएंगे उसको बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि इसके अंदर मसाला और हर चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा मिला है। ठीक है मत कीजिएगा, बिरयानी बहुत ही आपकी खुश्क बनेगी। आप चाहो तो प्लेट के साथ भी इसको डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फैला लेंगे जो कमी रह गई थी चावलों की। इसके अंदर फूड कलर सारा फूड कलर डाल दूंगी। साथ ही मैंने जो अपनी हरा धनिया और ये चटनी काट के रखा है उसको भी डाल देंगे। बाकी जो मेरे पास कोरमा बचा है और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।